वेलकम टू फिल्मी बीट। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इस समय बायोपिक फिल्मों का समय चल रहा है। एक के बाद एक धड़ल्ले से इंडस्ट्री में मेकर्स बायोपिक फिल्मों को बना रहे हैं। इसमें से ज्यादातर फिल्में सिनेमाघरों में धमाल भी मचा चुकी हैं, जिस कारण से लगातार बायोपिक्स के ऐलान हो रहे हैं। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर संजय दत्त की बायोपिक फिल्म आई थी, जिसने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था। इसके बाद से लगातार सलमान खान की बायोपिक फिल्म को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और बताया जा रहा है कि संजू बाबा के बाद अब बॉलीवुड के भाईजान की जिंदगी भी बड़े पर्दे पर नजर आएगी। हाल ही में सलमान खान अपनी नई फिल्म भारत का प्रमोशन करते हुए नजर आए थे, जहां मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए भाईजान ने इनकार कर दिया कि वो अपने ऊपर कोई भी बायोपिक फिल्म लेकर नहीं आ रहे हैं। सलमान खान ने बताया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई बायोपिक बने, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं है कि उसे बड़े पर्दे पर दिखाया जाए। अब भाईजान ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि उनकी जिंदगी पर कोई भी बायोपिक फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया की गलियारों में ऐसी खबरें जरूर घूम रही हैं कि खान परिवार अपने घर के मुखिया सलीम खान की जिंदगी पर फिल्म बनाने का सोच रहा है। कुछ दिनों पहले ही ऐसा सुनने में आया था कि अरबाज खान अपने पिता सलीम खान की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। अब ऐसे में देखना तो दिलचस्प होगा कि खानदान सलीम खान की बायोपिक का ऐलान कब तक करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि सलमान खान को अपनी बायोपिक फिल्म दर्शकों के सामने पेश करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।